मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। निमकी मुखिया में आज आप देखेंगे कि आखिरकार निमकी के जिद के सामने झुकना ही पड़ा बब्बू को। अब इस खबर की पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के बीते एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप दे दें। शो में आपने देखा कि निमकी की चिट्ठी से एक पल के लिए पूरे हवेली वाले गुस्सा हो जाते हैं, पर जैसे ही उन्हें इस बात का पता चलता है कि ये मुखिया के पद के लिए ट्रेनिंग की चिट्ठी है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वहीं हवेली से वापस आकर रामवचन जी निमकी को समझाने की कोशिश करते हैं, पर निमकी उनकी एक नहीं सुनती। तभी वहां पहुंचता है तुन्ने और उसे फिल्म देखने के लिए मना लेता है, जिसके बाद उसकी चाची उसे बहुत सुनाने लगती है। आगे आपने शो में देखा कि निमकी के जगह बब्बू मुखिया की ट्रेनिंग के लिए वहां पहुंच जाता है, जिसे रोक देता है बीडीओ बाबू यानी अभिमन्यु। वहीं शो के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा मजेदार किस्सा, जहां अनारो देवी है गुस्से से लाल पीली, क्योंकि आखिरकार उन्हें ना चाहते हुए भी निमकी की जिद जो माननी पड़ रही है। आप देखेंगे कि तेतर सिंह बब्बू को समझा बुझा कर निमकी को लाने भेजता है, जिससे अनारो देवी होती है बहुत गुस्सा, पर है लाचार। आखिर सवाल जो है मुखिया की कुर्सी का। वहीं घर वालों के तानों से परेशान होकर निमकी घर छोड़कर जाने लगती है कि तभी वहां पहुंच जाएगा बब्बू, जिसे देखकर सारे घर वाले जहां चौंक जाते हैं, वहीं दूसरी ओर निमकी हो जाती है बहुत खुश। वेल, शो के आने वाले एपिसोड में देखना होगा मजेदार आखिर क्या क्या धमाका होगा जब बब्बू हवेली लेकर जाएगा निमकी को। तब तक बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को टॉप न्यूज से। बैजंती की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.